एटम्स। तो स्टार्टिंग में जो कंसेप्ट था उसको बोलते थे ना, एक कंसेप्ट था उसको बोलते हैं फ्लोड, है ना, फ्लोटिंग मॉडल। फिर एक इसी को बोलते हैं जे.जे. थॉम्पसन। एक ऐसे सर्कल बना दो, स्फीयर बना दो, इसमें कर दो नेगेटिव नेगेटिव, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स आर स्प्रेड इन दी स्फीयर इन द फॉर्म ऑफ सीड्स। पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज, हाँ, यूनिफॉर्मली स्प्रेड। तो इस मेथड को बोलते हैं हम जे.जे. थॉम्पसन मॉडल, है ना ब्रदर। सिंपल सा मॉडल था, कुछ भी नहीं करना गया। अर्जुन के फेलियर ऑफ जे.जे. थॉम्पसन, फेलियर देखिए, एक तो ये बोल सकते हैं हम, पहला फेलियर तो नहीं बोल सकते कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन्स ऑफ सेवरल स्पेक्ट्रल सीरीज। लिख लो, इट कुड नॉट एक्सप्लेन, एक्सप्लेन नहीं कर पाया था द ओरिजिन ऑफ सेवरल स्पेक्ट्रल सीरीज, कि क्यों हुआ था स्पेक्ट्रल सीरीज, ने क्या स्पेक्ट्रम नहीं बताया पाया था किन में, इन द केस ऑफ ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड अदर एटम। ये पहली बात, दूसरा हम बोलेंगे इट फेल्ड टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इन द रदरफोर्ड
एक्सपेरिमेंट्स ये वाला हो गया, ये वाला फिर वेरी हो गया। एक तो रदरफोर्ड के बारे में बता पाया था, दूसरा स्पार्टकल सीरीज के बारे में। चला आगे देखिए, ये है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसके पहले हम अल्फा पार्टिकल के बारे में कुछ जाने कुछ सीखें। सबसे बेसिक क्या है, बेसिक वही है हम लिखेंगे ना, पहले अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं। देखो अल्फा पार्टिकल को हम बिल्कुल लैंग्वेज में जो होता है सिंपल लैंग्वेज बोलते हैं, हीलियम का एटम होता है डबली आयन, बोलते हैं डबली आयन हीलियम एटम्स। तो हीलियम जो है अल्फा पार्टिकल एक हीलियम है। अल्फा पार्टिकल क्या है, तो इट इज ए हीलियम नहीं भैया, इट इज ए हीलियम एटम। फिर लिखो यहाँ पे कि हीलियम एटम जो होता है जिसके पास क्या होता है सर, इलेक्ट्रॉन्स भी होता है, दो इलेक्ट्रॉन से रिमूव हो जाते हैं फ्रॉम हीलियम एटम, टू इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन रिमूव्ड, हैव बीन रिमूव्ड। फिर क्या बोलेंगे, ओके इसलिए इट इज इक्वल टू चार्ज इक्वल टू प्लस टू, और हमें पता है एंड मास जो होता है एंड इट्स मास इज नियरली इक्वल टू टू 4 mg। ये राइट, हो गया भाई। अर्जुन ब्रदर लिखे आपने, थैंक यू सो मच। आप बोल रहे हैं हटा दो इसको, थोड़ा स्लाइड कर देता हूँ। देखो होता क्या है, हम एक सर्कल बनाएंगे, इस टाइप का हम एक को लगाएंगे, ऐसे ऐसे इसके अंदर रखेंगे हम
लेकिन एक सोर्स है जिसको हम रखेंगे रेडियो एक्टिव सोर्सेस ऑफ अल्फा पार्टिकल, इसको बोलेंगे लीड बॉक्स, लीड ब्लॉक बोल दो। यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐसे रे लगा देंगे ऐसे। फिर क्या होगा, यहाँ से निकलेगा रे ऐसे, यहाँ से लगा दो ये वाला एक इमेज, ये यहाँ से रे निकलेगा। हुआ क्या, ऐसे 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 ऐसे। सुनो ध्यान से, इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप है ये, इसको बोलते हैं जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड स्क्रीन। इसको बोलते हैं स्कैटर्ड, स्कैटर्ड पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल। इसको बोलते हैं गोल्ड फॉयल, इसको बोलते हैं वैक्यूम चैम्बर, ये हो गया वैक्यूम चैम्बर हो गया। इसको बोलते हैं कॉलीमेटर, इसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये अल्फा पार्टिकल जो होता है ये प्लूटोनियम ही लेते हैं, है ना, या प्लूटोनियम ले लो, प्लूटोनियम मतलब जो भी एक ऐसा अल्फा पार्टिकल ले लो जो किसका सोर्स हो, सोर्स जैसे कि अल्फा रे निकलता हो, मतलब फ्रॉम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अल्फा रेज आर एमिटेड। हो गया, कि सॉरी क्या बोले दोबारा बताइए, हो गया। तो इसको थोड़ा समझना जरूरी है, क्या किया, हाँ देखो किया क्या, कि यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल का जो सोर्स है रेडियो एक्टिव से क्या निकला, रेडियो एक्टिव से निकला अल्फा पार्टिकल। अबे अल्फा पार्टिकल अर्जुन सर गोल्ड फॉल के साथ जाके स्ट्राइक हो गया, गोल्ड फॉल के साथ स्ट्राइक हो गया। और क्या है ना कि इनके अब क्या क्या हुआ, अब मैं आपको नेक्स्ट पेज में बताता हूँ क्या क्या कहानियाँ होगी। राइट, हो गया भाई, सही में हटा दो अर्जुन ब्रदर, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग। चलिए ऐसे लिखिए, डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, पहले सीखिए। इस साइड लिखिए स्कैटरिंग एंगल, एंगल थीटा
इन डिग्री। अगर आपको ये डायग्राम अगर समझ आ जाएगा ना तो आपका आधा काम हो गया। नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्केटर्ड मतलब एन थीटा, ऐसा कोई डायग्राम है इसका, ऐसे इसको बोलते हैं थ्योरेटिकल प्रोडक्शन किसको बोलते हैं, ये वाला एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्शन। एक ही ग्राफ है, सुनते जाना, एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्शन और एक है थ्योरेटिकल प्रोडक्शन। ये बताया है, सबसे पहले ग्राफ अगर गौर से देखोगे तो यहाँ पे होता है 0 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री, 120 डिग्री, 140 डिग्री, 160 डिग्री। तो ये बताता है कि मोस्ट ऑफ जो, और यहाँ जो स्कटर एंगल जो होता है 10^2, 10^3, 10^4, 5, 6, 7 ऐसे होता है। जैसे कि रखो यहाँ पे 10^2, 10^3, 10^4, 10^5, 10^7, 6, 10^7। तो ये एक सवाल तो ये बोलता है भाई साहब, देखो ध्यान से, पहला है मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो होगा, मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो पास करते हैं, पास थ्रू द गोल्ड फॉयल, गोल्ड फॉयल से पास करते हैं और सफर ओनली अ स्मॉल डिफ्लेक्शन। अगला करेंगे और फ्यू अल्फा पार्टिकल जो होंगे, बहुत कम अल्फा पार्टिकल जो होते हैं अबाउट, देखो हर डेटा में अलग अलग होता है कि अल्फा पार्टिकल 1 in कोई बोलता है 8000, मैंने कहीं सुना है 1 in 20,000, कहीं मैंने सुना है 1 in 10,000। अब रियर डेटा यार मेरे को भी नहीं पता, लेकिन हाँ ये बोल सकते हो कि बहुत रेयर होता है 1 in 8,000 लेके चलो, ये असल की वाली बात है ना। गेट डिफ्लेक्टेड, डिफ्लेक्टेड थ्रू क्या 90 डिग्री और मोर। थर्ड देखो क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है, ओकेजनली क्या होता है, ओकेजनली क्या होता है, एन अल्फा पार्टिकल, अर्जुन आपके वाले डीपी लगा रखी है मैंने जो आपने क्लिक की थी, देखा नहीं आपने, तो बोल रहा है कि अल्फा पार्टिकल ओकेजनली क्या होता है, रिबाउंड होता है, पता है आपको, मतलब ऐसे आ रहा ना तो ऐसे रिबाउंड, इसको बोलते हैं रिबाउंड, इसको बोलते हैं स्कटर बाय 90, इसको बोलते हैं स्मॉल स्कटरिंग, ये याद रख लेना है, दिस इज ए स्मॉल डेटा। तो ये वाला इसको रिप्रेजेंट करता है, ये वाला इसको रिप्रेजेंट करता है सर, ये वाला तो बोलोगे ओकेजनली एन अल्फा पार्टिकल रिबाउंड थ्रू द रिबाउंड फ्रॉम द गोल्ड फॉयल, फ्रॉम द गोल्ड फॉयल है ना, और सफर सफरिंग डिफ्लेक्शन ऑफ नियरली 180 डिग्री। हो गया क्लास, हाँ इसको आप तुरंत मेंशन कर दीजिए। एनी डाउट डू यू हैव इन दिस,
हो गया ना, इसको कॉपी कर लो पहले। हाँ जल्दी करेंगे। Once you have completed, please let me know. That's really good. अब आगे देखिए, तो कुछ कहानियाँ जो बड़ा इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड, हम अभी अगले पेज पे बताता हूँ मैं कि आखिर क्या हुआ था। आई आखिर क्या हुआ था जब अल्फा पार्टिकल आया था और गोल्ड फॉयल से टकराया था, क्या क्या उसको लगा और क्या क्या हमने उसे पढ़ा, यही हमारा एजेंडा है अगले 10 मिनट का। तो सबसे जो पहली बात जो लगी सबको, क्या लगा कि ये जो एटम होता है, ये जो एटम होगा, एटम कंसिस्ट ऑफ ऑफ ए स्मॉल एंड मैसिव सेंट्रल कोर। इसका सिंपल सा मतलब है कि पूरा जो मास होगा एक जगह ही कंसंट्रेटेड है, सेंट्रल कोर इन विच द इंटायर पॉजिटिव चार्ज entire positive charge and almost whole mass of the atom are concentrated। simple सा मतलब है पूरा पूरा मास एक ही जगह क्या हो रहा है, concentrated हो रहा है। क्या बोलते हैं उसको, we call it as nucleus, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। हो गया, अगला लिखेंगे जो साइज जो होता है ना, साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है 10^-15 मीटर इज वेरी स्मॉल, और जो साइज जो होता है स्मॉल एज कंपेयर टू साइज ऑफ द एटम। एटम का साइज कितना होता है, 10^-10 मीटर। फिर आपको पता है ये जो है न्यूक्लियस जो होगा इज सराउंडेड बाई अ सुटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको पता है ना, सो डेट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल। और जो फोर्थ पॉइंट है जो इससे भी खतरनाक है कि ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस में वेरियस ऑर्बिट में, जैसे कैसे बोलोगे, ये न्यूक्लियस है, बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन अ वेरियस ऑर्बिट, ऐसे लिखोगे ना, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस।
इन वेरियस ऑर्बिट ऑर्बिट जस्ट एज अ प्लैनेट रिवॉल्व. रिवॉल्व अराउंड द सन. जल्दी करो. अब चार पॉइंट जो बताना है आप बताइए, मैं बताऊं. मतलब यही बताया था कि सबसे पहले जो साइज ए वाला होता है, न्यूक्लियस जो होता है, जितना न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा. टोटल जो मास जो होगा, होल मास, नियरली होल मास वेयर कंसंट्रेटेड एट द सेंटर, नियरली होल मास ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर. सेंटर पे कंसेंट्रेटेड रहता है. देखो लिखे अभी तो लोग कोरोना से डर के भाग रहे थे, ब्लैक फंगस के लिए भी हालत खराब हो जाए. हाँ देखना इसको भी है ना, ये भी एपिडेमिक ही माना जाएगा. इसको भी देखना, जिसके पास इम्यूनिटी नहीं है ना वो बर्बाद हो रहा भाई. हो गया. आगे लिखो. सिंपल से चार पॉइंट बताया मैंने. आगे चलें. आगे चलें. ठीक है, हुक्म कर दीजिए. अर्जुन सर चलो आगे. ठीक है, थैंक यू सो मच. ये आपको चार पॉइंट थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. आप एक बताओ या चारों आप ही बताओ. पहला पॉइंट क्या बताओ? इसी का ए रदरफोर्ड के चार पॉइंट बताइए. ए एक्सपेरिमेंट के फेलियर का तो आप डिस्कस करेंगे. क्या बात है, फुल मार्क्स टू यू. आई एम रियली हैप्पी. सही बात. और कुछ? ठीक है. ठीक, अब इसके लिखो डिमेरिट्स. लिखिए तो डिमेरिट्स में लिखेंगे वाला डिमेरिट तो यही था कि भाई देखो लिमिटेशंस
लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। देखिए लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, सिंपल सा लिमिटेशन है ब्रदर, सुनते रहना। पहला क्या बोला था, जो रदरफोर्ड मॉडल जो है, रदरफोर्ड्स मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन, एक्सप्लेन नहीं कर पाया था दी स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, एटम के स्टेबिलिटी को नहीं बता पाया था। रदरफोर्ड मॉडल कांट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। क्यों? आप अगर देखोगे ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी तो, हाँ तो इलेक्ट्रो क्या बात है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ने बताया था कि जब भी अगर कोई एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल जो होगा, एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल रेडिएट करेगा, मस्ट रेडिएट ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। और ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस अंडर कंटिन्यूअस एक्सेलरेशन, और क्या करेगा, किल करेगा लूज इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, और फाइनली क्या हो जाएगा पता है, कोलैप्स हो जाएगा। बना के लिख लीजिए, आगे लिखो सब होने वाला। अगला इसी ऑर्डर का पॉइंट था, तो फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट देखेंगे कि ऐसे ऐसे कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि स्पायरल होगा, ऐसे ये पॉजिटिव है, तो ऐसे ऐसे देखो रिवॉल्व कर रहा है, बोलोगे ना, एज द इलेक्ट्रॉन जो होगा स्पायरल इनवर्ड, अंदर में स्पायरल इनवर्ड होगा तो क्या होगा, देयर एंगुलर वेलोसिटी जो होगा एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी चेंज करेगा, वुड चेंज कंटिन्यूअसली, सो द फ्रीक्वेंसी जो होगा ऑफ इमिटेड लाइट विल ऑल्सो चेंज, राइट, ये भी चेंज करेगा। तो क्या इमिट करेगा पता है, दे इमिट अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम इंस्टेड ऑब्जॉर्ब लाइन स्पेक्ट्रम। देखो
मतलब क्यों क्या करते हैं, जब ये मतलब मूव करेंगे कंटिन्यूअसली तो इमिट करेंगे, और इमिट करेंगे तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम इमिट करते हैं। दे इमिट कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। नहीं बोला, जब वो एक्सेलरेट करेंगे, एनर्जी इमिट करेंगे, फाइनली आके कोलैप्स हो जाएंगे, ये याद रख लेना। आगे चलें, अब चलिए हटा दें इसको, ये वाला हो गया। तो बताओ सर, दो लिमिटेशन क्या क्या था? या क्या क्या दो लिमिटेशन है भाई? थोड़ा सेकंड वाले बोला कि अगर ऐसा होता है तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम इमिट करेगा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम इमिट करेगा, बट होता क्या है इन रियल, क्या होता है, दे इमिट डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रम। हो गया कि अकॉर्डिंग टू दी रदरफोर्ड मॉडल, दे इमिट कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, है ना? लेकिन रियलिटी में होता क्या है, बट इन रियलिटी रियलिटी वी विल गेट डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रम। कोई डाउट है? आगे चलें, देख लो आप। हो गया भाई, आवाज आ रही है आपने? चले आगे, सेकंड आपको समझ आया सेकंड क्या है इसका, डिमेरिट्स रदरफोर्ड का? क्या बात है, थैंक यू सो मच, मेरे लिए आपने सुन ले रहे थे, बहुत बढ़िया। चलिए गुड, अब अगला टॉपिक जो है बोहर्स का है। अच्छा, इसके पहले दो चीज़ और बता दें आपको मैं। एक होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और एक होता है इम्पैक्ट पैरामीटर, पर डिस्कस करेंगे।
डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, क्या था देखो सुनो, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच सुनो, कोई अगर अल्फा पार्टिकल अगर कोई है, मतलब डब्ली आयन, हीलियम आयन एटम, डब्ली आयन हीलियम एटम एटम अगर अप्रोच कर रहा है टुवर्ड अ न्यूक्लियस, जब अल्फा पार्टिकल जो है आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स अ न्यूक्लियस, तो दोनों के पास बोथ अल्फा पार्टिकल एज वेल एज न्यूक्लियस हैव द सेम चार्ज, सेम चार्ज होगा तो क्या होगा, इसके पास भी पॉजिटिव, इसके पास से पॉजिटिव, तो ए ए क्योंकि मूव कर रहा है तो इसके पास होगा काइनेटिक एनर्जी जिसकी वैल्यू है हाफ एम बी स्क्वायर। जब यहाँ पे जाएगा यहाँ पे तो जाके यहाँ रुक जाएगा, क्यों, क्योंकि ए भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, दोनों रिपेल करेंगे, तो ये जो मिनिमम जो डिस्टेंस है जहां पे जाके रुक जाएंगे, द मिनिमम डिस्टेंस, डिस्टेंस वेयर एन अल्फा पार्टिकल जो है विल गेट ए स्टॉप इट इज नोन एज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, लिख लो, इट इज नोन एज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। हो गया भाई, ये ठीक हो रहा है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। आगे चले, ऐसे है, ये जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ व्हाट, क्लोजेस्ट अप्रोच। तो क्या करते हैं देखो, अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस को इक्वेट कर देंगे। डाउट है, अल्फा पार्टिकल पास कितना होगा काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम बी स्क्वायर, और इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, के जेड वन जेड टू अपॉन आर, तो हाफ एम बी स्क्वायर के जेड ई टू ई आर नॉट, ये जो डिस्टेंस है ना आर नॉट, इसी को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच।
आगे लिखो, बोहर कॉन्टिनाइजेशन कंडीशन। अच्छा एक और उसको बता देता हूँ मैं, इम्पैक्ट पैरामीटर। ये समय में आ गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच? हाँ ये ऐसे में आ गया, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में आ गया आपको, क्या है बताओ? हमें एनर्जी को इक्वेट करना पड़ेगा। कौन कौन सा? काइनेटिक एनर्जी किसका? हाँ पोटेंशियल किसके किसके बीच का? अल्फा पार्टिकल और किसका? न्यूक्लियस का। तो ये हमें एनर्जी मिल जाएगा। आगे चला, आगे चलो, आगे लिखो सर। अब एक होता है इम्पैक्ट पैरामीटर, इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है? न्यूक्लियस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये है अल्फा पार्टिकल। इसके पास होगा काइनेटिक एनर्जी। जैसे जैसे इधर अप्रोच करेगा ये तो ऐसे भाग जाता है, तो जिस एंगल से भागता है ना ये, तो हमें क्या करना है कि अल्फा पार्टिकल का, अल्फा पार्टिकल मतलब वेलोसिटी पार्टिकल, जो भी बोलो, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस सो डैट इट विल गेट डिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सेंटर। क्या बोलते हैं इसको? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। हो गया, मतलब कितना डिस्टेंस है, लाइन ड्रॉ कर लो कि ऐसे भाग जाए, इसको बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर, कोई डाउट है? दिस इज कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर। आगे चला, आगे लिखो, बोर्स क्वांटाइजेशन प्रोसेस। देखिए बोहर्स क्वांटाइजेशन प्रोसेस, ये बोलता है, क्या बोलता है सुनो, ये हमारे पास है ऐसे, ये नंबर ऑफ सेल है इक्वल टू 1 है, तो अगर हमारे पास न्यूक्लियस है, फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल है,
ये जो बनता है टोटल न्यूक्लियस, ये टोटल डिस्टेंस जो होगा 2 पाई आर किसके बराबर हो जाए, एन लैम्डा के। तो टोटल पेरिफेरियल डिस्टेंस विल बी मल्टीपल ऑफ लैम्डा, एन की वैल्यू एन कैन बी वन, एन कैन बी टू। सो टोटल जो डिस्टेंस होगा ये होगा मल्टीपल एन लैम्डा के। आपको पता है एक और होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ये होता है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, मतलब एच अपॉन एम बी। वैल्यू पुट करो 2 पाई आर बराबर एन एच अपॉन एम बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो एम बी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम होता है ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो होगा किसी भी ऑर्बिट का वो होगा, इसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। किसका मल्टीपल होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ एन एच अपॉन 2 पाई। इट विल बी मल्टीपल ऑफ एन एच अपॉन 2 पाई। प्ली राइट। आगे चलें भाई। आगे देखिए, तो हम क्या करने वाले हैं। ये जो एम बी आर जो होगा वो मल्टीपल है एन एच अपॉन 2 पाई की, ये याद रखें। और एन की वैल्यू 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो। एम बी आर जो होगा इट विल बी मल्टीपल ऑफ एन एच अपॉन 2 पाई, मतलब एंगुलर मल्टीपल, एनुलर मोमेंटम विल बी मल्टीपल ऑफ एन एच अपॉन 2 पाई, मतलब एनुलर मोमेंटम जो होगा ऑफ द इलेक्ट्रॉन मस्ट बी मल्टीपल ऑफ एन एच अपॉन 2 पाई। आगे चला। अब हमें पता है लिखेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल, हटा कर हटा दें उसको। देखो बोहर्स एटॉमिक मॉडल, हटा दें उसको।
बताओ बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या था? क्वांटाइजेशन कंडीशन बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या होता हो? बोहर्स क्वांटाइजेशन बताओ। हाँ जी बताओ बोहर्स क्वांटाइजेशन क्या कंडीशन था। हाँ देखिए अब इसको पोस्टुलेट लिख रहे हैं, बोहर्स एटॉमिक मॉडल इसको बोलते हैं पोस्टुलेट्स। देखिए बोहर्स एटॉमिक मॉडल इसको बोलते हैं पोस्टुलेट्स। देखिए पहला कंसेप्ट जो था इसको बोलते हैं न्यूक्लियर कंसेप्ट, न्यूक्लियर कंसेप्ट क्या बोलता है? दैट एटम कंसिस्ट करेगा स्मॉल मैसिव कोर जहाँ पूरा पूरा मास कंसंट्रेटेड होगा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। मतलब होल मास बोलोगे ना कि ये कंसिस्ट करेगा स्मॉल मैसिव, छोटा सा स्मॉल मैसिव सेंट्रल कोर, स्मॉल मैसिव सेंट्रल कोर कॉल्ड न्यूक्लियस। क्या होगा इसमें कि इसमें वेयर होल मास ऑफ द एटम्स इज अज्यूम टू बी सिचुएटेड, वहीं पे रहेगा ये होल मास इज अज्यूम टू बी सिचुएटेड, है ना? ये है इसको सेंट्रल का। फिर अगला है, बताया था ना मैंने आपको क्वांटम कंडीशन। क्वांटम कंडीशन क्या बोलता है कि एम वी आर किसके बराबर होगा? एन एच अपॉन टू पाई के। और थर्ड जो है उसको बोलते हैं हम स्टेशनरी ऑर्बिट। ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन वही रिवॉल्व करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ना तो इमिट है ना इमिट ना हो सके। इलेक्ट्रॉन विल ओनली रिवॉल्व इन एन ऑर्बिट वेयर इट डू नॉट रेडिएट एनी एनर्जी। फिर देखो फोर्थ में फ्रीक्वेंसी कंडीशन, ये बोलता है जब भी इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा मतलब कि हायर एनर्जी लेवल से अगर ये रिटर्न होता है
इफ इट्स कम टू द ग्राउंड स्टेट इट विल इमिट एनर्जी, मतलब ई टू माइनस ई वन एच म्यू के बराबर होगा। जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर से लोअर में तो इट विल दे विल इमिट एनर्जी। प्ली राइट है ना। तो चार कंडीशन है, चारों कंडीशन में डिस्कस कर लिया। पहला कंडीशन में डिस्कस कर लिया था ऐसे कि वही है न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट था नहीं था क्वांटम कंडीशन, फिर तीसरा था स्टेशनरी ऑर्बिट, चौथा था फ्रीक्वेंसी कंडीशन। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो याद रखिएगा एनर्जी इमिट कब करेगा, जब हायर से लोअर आएगा। एक में रहेगा स्टेशनरी ऑर्बिट, फिर रहेगा न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट, फिर रहेगा क्वांटम कंडीशन। तो डाउट है 1, 2, 3, 4 हो गया। आगे चलें, आगे लिखिए पहला है बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम या बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। सुनना पहले ध्यान से। सबसे पहला काम क्या करोगे, ये है हमारे पास न्यूक्लियस, ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉन, फोर्स निकालो, फोर्स बिटवीन, फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, दिस वाज़ द कूलम्बिक फोर्स मस्ट बी इक्वल टू
मस्ट बी इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स, मतलब के जेड ई अपॉन आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। कोलम्बिक फोर्स जो होगा वो किसके बराबर होगा? सेंट्रिपेटल फोर्स के, मतलब कोलम्बिक फोर्स मस्ट बी इक्वल टू सेंट्रिपेटल फोर्स। और एक और फॉर्मूला आपको पता है, एम वी आर एन एच अपॉन टू पाई। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, आप उनको सॉल्व कीजिए। सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी विल गेट वी एंड आर, मतलब वेलोसिटी इन द एनथ ऑर्बिट और रेडियस ऑफ द एनथ ऑर्बिट। हो गया? क्या लिखा ब्रदर? एन एच अपॉन टू पाई एम वी आर के बराबर, और फोर्स किसके बराबर होता है? एम वी स्क्वायर बाई आर। वन टू, आगे चलें। अब सुनो, आपको एक तरीका बताऊं मैं। सबसे पहली बात है, राइट दोनों इक्वेशन। एम वी आर किसके बराबर लिखोगे? एन एच अपॉन टू पाई, आर बराबर एन एच अपॉन टू पाई एम वी। पहली बात, फोर्स किसके बराबर होगा? एम वी स्क्वायर बाय आर, जो किसके बराबर होगा? के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर बराबर एम बी स्क्वायर बाय आर के जेड ई अपॉन आर स्क्वायर बराबर एम बी स्क्वायर बाय आर। आर सर कट जाएगा, के जेड ई स्क्वायर बाय आर एम बी स्क्वायर, आर बराबर के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम बी स्क्वायर। इसको बोलेंगे सेकंड इक्वेशन। इक्वेट करो आर को, इक्वेट द वैल्यू ऑफ आर फ्रॉम वन एंड सेकंड, एन एच अपॉन टू पाई एम बी के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा यहाँ से, वी वी किसके बराबर हो जाएगा? के जेड ई स्क्वायर एन एच इंटू टू पाई। साफ साफ आप देख पा रहे हो कि ये जो टर्म है सारे के सारे कॉन्स्टेंट हैं, मतलब, और एन एच, आप एक काम करो, देखो इस वाले वैल्यू में आप बोल सकते हो कि ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी एटॉमिक नंबर के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ सेल के। ये इक्वेशन वन है, ये इक्वेशन टू है। इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और लिखेंगे के जेड ई स्क्वायर टू बाई एन एच सी बाई सी, तो वी विल भी आ जाएगा। क्या हो जाएगा पता है? सॉल्व करोगे तो वन बाई 137 इंटू सी बाई एन, ये वाली वैल्यू, मतलब वेलोसिटी विल बी प्रोपोर्शनल टू
वन अपॉन 137 इंटू सी बाई एन, ये थर्ड इक्वेशन। प्लीज राइट दिस। बताओ हाउ डू वी कैलकुलेटेड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सबस्ट्रेट, कैसे निकाला हम लोगों ने वेलोसिटी किसी भी सबसेल में। आपको आर निकालना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर, क्या कर एम वी स्क्वायर बाय आर के जेड ई अपॉन आर स्क्वायर। पहली बात ये एम वी स्क्वायर बराबर के जेड ई स्क्वायर बाय आर, और दूसरा इक्वेशन कौन था हमारे पास, क्या था एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई। अब यहाँ से वी की वैल्यू इसमें पुट कर दो ना, वी की वैल्यू कितनी आई थी बताओ, वी की वैल्यू आई थी ना हमारे पास क्या आया था 2। हाँ या उसके उसके फॉर्म में भर देता हूँ ना, सी के टर्म में भर दूँ क्या, लिखो 2 ऐसे 2 पाई इंटू के होता है ई टू द पावर 4 इंटू जेड ई जेड ई टू द पावर ई स्क्वायर, ई टू द पावर 4 है लेट मी चेक, हाँ ई टू ई स्क्वायर अपॉन क्या था मेरे भाई एन एच इंटू क्या था अर्जुन, हाँ यही था इंटू आर कर दो ये वाला आर, ये वी के टर्म में था भाई, विल बी इक्वल टू एन एच, ये आर है निकालना है आर एन एच अपॉन 2 पाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आर की जो वैल्यू आती है ये आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, सॉल्व कर रहे मेरे भाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। सॉल्व करोगे सो वी गेट रेडियस विल बी इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई एम के जेड ई स्क्वायर, आर नॉट की वैल्यू है एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर, ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू करो लीजिए, लिख लिया भाई। अब इसमें अच्छी चीज क्या है ना, एक कॉलम बना के लिख लो कि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके जेड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके एन, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके एन एस जेड।
कोई डाउट है भाई? ए है, ए पूछा जाता है कौन किसके प्रोपोर्शनल है। अच्छा मास के प्रति क्या बोलोगे यार, अभी पूछते हैं मास का भी, तो मास तो ठीक ही है, वो तो आ जाता है। आगे देखो, एनर्जी इक्वेट करते हैं, टॉपिक है एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। पहला है काइनेटिक एनर्जी, ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एनथ ऑर्बिट निकालो, पोटेंशियल एनर्जी भी निकालो, फिर दोनों को ऐड करो, देखो क्या आता बताओ मेरे को, जल्दी करो। जो V का फॉर्मूला आया है एम वी स्क्वायर बाई आर, वी का फॉर्मूला इसमें सब्सटीट्यूट कर दो, देखो क्या आ रहा है बताओ। ठीक है भाई, जल्दी करो सर, वाइपर दे देना। Thank you.
देखो दो उपाय हैं, एक सिंपल बताता हूँ फिर एक टफ बताता हूँ। दोनों अगर सीख जाओगे दोनों से हो जाएगा। करना क्या, देखो सुनो, सबसे बड़ी चीज क्या है, हमें पता है कि के जेड डी ई अपन आर स्क्वायर सेंट्रिपेटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर, हाँ या ना, फोर्स बराबर सेंट्रिपेटल फोर्स, हाँ है ना। अब सुनो, ये आर से आर काट दूं क्या, यहां पे काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या डिवाइड करना पड़ेगा, टू से, क्या बात है, हाफ से, ये क्या बन गया काइनेटिक एनर्जी, ये क्या बन गया चार्ज इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता बाय द वे, जो भी है मैग्नीट्यूड में ले लो, ये टू आर नॉट हो गया। अब हमें बात करना है व्हाट अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बताना है हमें, वो होता है के क्यू वन क्यू टू बाई आर, तो के की वन वैल्यू कितनी है, जेड ई अपॉन ई अपॉन आर, जो कि ई पे जहाँ पे माइनस चार्ज ले लो क्योंकि अट्रैक्टिव नेचर होता है, लेना जरूरी है। अच्छा एक बात बताओ, अब इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ये वाला है, ये पोटेंशियल है, तो यहाँ पे बस टू का यहाँ पे टू कर दोगे, तो मतलब इस टर्म को आप क्या लिख सकते हो पता है, पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल बाई टू विथ नेगेटिव साइन, तो पोटेंशियल कितना जाएगा पता है, माइनस टू टाइम काइनेटिक एनर्जी। एक बार बताओ, आवाज़ आ रही है साफ, और टोटल एनर्जी बिल्कुल ध्यान से देखते रहना, टोटल एनर्जी किसके बराबर होगा, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, और काइनेटिक इटसेल्फ किसके बराबर है, माइनस टू काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, मतलब माइनस टाइम काइनेटिक एनर्जी, तो टोटल एनर्जी किसके बराबर हो गया, नेगेटिव टाइम्स होता काइनेटिक एनर्जी, पहली बात, इन दोनों की वैल्यू बराबर होगी, ये वाला, दूसरी बात याद करना, प्लीज डू डैट, जल्दी कीजिए। हो गया, निकालिए काइनेटिक निकालिए, पोटेंशियल निकालिए, हो गया डियर, आराम से निकालिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोबारा कर लीजिए इसको प्लीज। Thank you.
जल्दी करो। हो गया। कितना है? ओ सॉरी, कितना है? हाँ ये तो ठीक है। अरे वाला भी आ गया। ठीक है, तो टोटल एनर्जी माइनस टाइम क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी, राइट। और पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है? और करा दूं? अब इसके सीरीज है, स्पेक्ट्रल सीरीज करा दूं? देखिए एक सेकंड, थोड़ा देखते इसको कॉल आ रहा है। ये जो है ना वो करा रहा हूँ लाइन स्पेक्ट्रम, वो नहीं कराया था, आप ध्यान से सुन लेना इसको। लाइन स्पेक्ट्रम, अबे लाइन स्पेक्ट्रम नहीं, अरे लाइन बोला मैंने, एटॉमिक स्ट्रक्चर में था ना वही वाला। हाँ वही सुन, वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देखा है अभी तो रिकॉर्ड नहीं करा हुआ, उसको स्टार्ट कर। तो मैं ये बोल रहा था आपको, स्टार्ट करें ब्रदर अर्जुन। हाँ देख क्या होता है, टॉपिक लिख लो स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसका पहले मतलब सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे, फिर कॉपी करेंगे। देखिए आपको याद क्या क्या कर लेना है जो बताया था मैंने आपको, दो इक्वेशन जो बिल्कुल मस्ट है, कौन कौन सा? इसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है पता है? एन इंटू मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई। ये बिल्कुल डॉट है भाई साहब। दूसरा एफ हम सी पुणे वाले भाई साहब क्या बोलेंगे कि ये जो फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है? सेंट्रिपिटल फोर्स के बराबर, सेंट्रिपिटल फोर्स के बराबर। क्या करेंगे? एम बी ए के की वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। ये वाला दूसरा इक्वेशन है। करना क्या है, इसको कट करोगे तो के जेड ई अपॉन आर विल बी इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। अब है ना, अब इसे इक्वेट कर करके आप दोनों निकालते हो। तो अगर जो अच्छे बच्चे हैं देखो, ये फिजिक्स में भी है और ये जो है यहाँ पे क्या पता है, और ये केमिस्ट्री में भी है, ये न्यूक्लियाई में भी है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी है। लेकिन ये जो बातें जो है ना, जो बताया मैंने, ये इक्वेशन आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। एम वी आर को क्या बोलते हैं? एनुलर मोमेंटम। किसका मल्टीपल होगा? एन एच अपॉन टू पाई। दूसरा कूलम्ब फोर्स को क्या बोलते हैं? के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। किसके बराबर होगा? एम वी स्क्वायर बाई आर। हाँ जी डॉक्टर साहब, ठीक है, बोलिए जल्दी से, कंफर्म कर दीजिए। हेलो, सो गए अर्जुन? आ गया समझ में? आप थोड़ा सा अटेंशन दोगे तो बताऊं मैं आपको स्पेक्ट्रल सीरीज बताऊं? तैयार हो? तैयार है आप? अच्छा तैयार हो जाओ, तैयार हो गए? ठीक, अब ध्यान से देखना, ध्यान से। ये अगर समझ में आ जाएगा तो वही काम आएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना, अच्छा पढ़ाऊंगा मैं। टॉपिक है स्पेक्ट्रल, आराम से देखो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन इस टॉपिक को समझ जाना,
क्योंकि इसमें दम इस टॉपिक में. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज? देखो ध्यान से सुनो, स्पेक्ट्रल का मतलब है कुछ कलर से रिलेटेड है, मतलब रिलेटेड टू कलर. हमने दो चीज़ें डिस्कस किया है, एक होता है स्पेक्ट्रम और एक होगा डिस्पर्जन. स्पेक्ट्रम क्या होता है सुनो ध्यान से, आप एक प्रिज्म लो, लाइट को पास कराओ, इस सात अलग अलग कलर में डिवाइड हो जाएगा, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम. स्प्लिटिंग ऑफ द वाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर. डिस्पर्जन क्या होता है, इस पर्दे पे ऑप्टन करना, ऑप्टनिंग द वाइट लाइट, अ वाइट लाइट ऑन द स्क्रीन इट्स कॉल्ड डिस्पर्जन. सुनते रहना, ये हमें पता है और उसके बाद से हमें स्पेक्ट्रम पता चल गया और हमें डिस्पेक्ट्र है ना, एक समय आ गया कि डिस्पर्जन क्या होता है. अब होगा क्या, सुनते रहना है कि मान लो कि यहाँ से ये न्यूक्लियस है और ये हमारा फर्स्ट सबसेल है, ये हमारा सेकंड सबसेल है, ये हमारा थर्ड सबसेल है, ये हमारा फोर्थ सबसेल है. तो अब होगा क्या, अगर इलेक्ट्रॉन जो है हायर से लोअर अगर जंप करता है तो इमिट करेगा फोटोन, और फोटोन जो होगा उसके पास होता है एनर्जी, और एनर्जी कैसे लिखते हैं हम, एच इंटू म्यू. हमें पता है यहाँ का एनर्जी मान लो ई एन टू है, मान लो कि कोई सेल है यार, जनरल ले लिया मैंने सेकंड सेल, और यहाँ पे आ रहा है मान लो फर्स्ट में आ गया, मान लो कि ई एन टू है, या इसको ऐसा बोल दो इनिशियल है और ये फाइनल है, बाद हटाओ. इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, एनर्जी का डिफरेंस, आपको पता है ना एनर्जी सबका अलग अलग होता है, तो इसका एनर्जी का डिफरेंस माइनस इसका एनर्जी का डिफरेंस इक्वल टू एच म्यू, क्योंकि ये भी एनर्जी का फॉर्मूला होता है. हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे ई फाइनल वाला माइनस ई इनिशियल वाला इक्वल टू एच इंटू म्यू, ये याद रखिएगा. ये क्या बताओ, डेल्टा ई मतलब चेंज इन एनर्जी बराबर एच म्यू, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लिख लिया बड़े भैया, हो गया. अर्जुन सर चलिए अब थोड़ा सा देख लीजिए. अब हुआ क्या, राज की बात बताने जा रहा हूँ मैं, राज की बात. जैसे क्या है, आपको पता है ये फॉर्मूला तुरंत लिख लो, एनर्जी किसी भी सेल का होता है माइनस, माइनस बताता है कि चिपका रहेगा मेरे से, दूर नहीं भागेगा, अट्रैक्टिव इन नेचर, टू पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर यू टू द पावर फोर अपॉन एच स्क्वायर इंटू वन अपॉन एन वन स्क्वायर. मतलब एनर्जी ऑफ एनी सेल विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एन स्क्वायर, पहली बात है. एनर्जी विल बी, एनी सेल विल बी गोइंग टू बी इन नेगेटिव, मतलब अट्रैक्टिव इन नेचर होगा, अट्रैक्टिव इन नेचर. और दूसरा जो होगा क्या होगा पता है, ये प्रोपोर्शनल होगा किसके, एन स्क्वायर के. मतलब देखो सुनो, यहाँ का एनर्जी मतलब कि यहाँ का एनर्जी होता है माइनस 13.6, फिर इसके ऊपर वाले का एनर्जी होता है माइनस 3.4, और यहाँ थर्ड वाले का एनर्जी होता है, बोलो ना अर्जुन, माइनस 1.5, माइनस 0.85, पता है आपको, माइनस 0.54 और माइनस 0.38. गॉट इट द कॉन्सेप्ट, कि एनर्जी जो होता है, इसका पता होगा ना, बताओ सबसे पहले एनर्जी, हाँ तो बताओ सबसे पहला सेल में एनर्जी कितना आता है, माइनस थर्ड, फिर दूसरे में कितना होता है, 3.4, माइनस 1.5,
माइनस जीरो पॉइंट कितना होता है 85, फिर माइनस 0.54, माइनस 0.38 एनर्जी ऐड कर लेना। कोई डाउट है यहाँ तक? अब सुनो तो, अच्छा व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द एनर्जी बताओ, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है पता आपको? तो एनर्जी का फॉर्मूला जैसे नोटबुक में लिखिए वाला, कि एनर्जी जो होता है इन्वर्सली होता है एन स्क्वायर के, एनर्जी जो होता है निगेटिव होता है, मतलब अट्रैक्टिव ही नेचर होगा, पहली बात है कि दे आर अट्रैक्टिव ही नेचर, दे आर अट्रैक्टिव ही नेचर पहली बात है। दूसरी बात है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। अब देखो सुनो, जब भी हमने ए किया फ्रीक्वेंसी निकाला, उसका फॉर्मूला आ गया 2π² एम के स्क्वायर यू टू द पावर 4 अपॉन एच इंटू क्यू ब्रैकेट में 1 अपॉन n1² - 1 अपॉन n2² तो ये जो बी बार होगा 1 अपॉन लैम्डा, ये हो जाएगा v/c, ये हो जाएगा 2π² एम के स्क्वायर ई टू द पावर 4 सी एच क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन n1² 1 अपॉन n2² ये दो का एनर्जी का डिफरेंस है। इसको बोलते हैं वेव नंबर, इसको बोलते हैं वेव नंबर, जो क्या मतलब पता है सुनो, एक होता था फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन t, मतलब कि मैं अगर दिन में खाना 2 बार खाता हूँ मेरा फ्रीक्वेंसी हो गया 2 बार, आप 1 बार खाते हैं 1 बार, कोई 10 बार खाता होगा 10 बार, तो मतलब हाउ ऑफन यू डू एनी स्पेसिफिक टास्क इन अ पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम डैट विल इंडिकेट योर फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी उसी को बोलते हैं कि भाई 1 सेकंड में कितनी बार एक कंप्लीट वेव कंप्लीट कर लिया, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड होता है कि एक वेव कंप्लीट करने में जितना टाइम लगे उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। और वैसे ही होता है कि 1 मीटर ले लो डिस्टेंस, ध्यान सुनना ऐसा बुक में नहीं मिलेगा, 1 मीटर लिया और इसको 1 मीटर में कितना कंप्लीट वेव है उसको बोलते हैं क्या, वेव नंबर। देखो ए है 2, तो अगर यहाँ पे 2 है तो वेव नंबर इसका कितना होगा, 2 होगा, इसका वेव नंबर कितना हो गया, 1 हो गया, क्योंकि ये बताता है कि 1 मीटर में कितने कंप्लीट वेव हैं, 1 मीटर में कितने कंप्लीट वेव हैं वही वेव नंबर है। आया आपको समझ में? नहीं आया? बहुत बढ़िया, आप थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा फोकस और करोगे ना आपको थोड़ा सा फायदा हो जाएगा आज की क्लास में। देखिए थोड़ा सा फायदा, क्योंकि इससे मार्क क्वेश्चन आना ही आना है, और अल्टीमेटली देखो अब डेली कोई किसी को नहीं समझा सकता। ये कहा था अंदर से कुछ पढ़ने का इच्छा है ना, जो आपके अंदर है, आपके अंदर काबिलियत है, आपके अंदर डेडिकेशन है, तभी तो आपका पहले भी आपका एडमिशन हो जाता। लेकिन आपको AIFMC पुणे ही जाना है, उसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, तो वो देखो बार बार कोई किसी को नहीं समझा सकता, क्योंकि आप लोग 18+ होने वाले हो, है कि नहीं? बार बार करोगे तो मेरा भी रिलेशन आपके साथ ख़राब होगा और जो सुन रहा है उसका भी होगा, तो उसके हाल पर छोड़ दो, है ना, वो खुद ही समझदार है ना, है कि नहीं? तो ये बात बिल्कुल सत्य बात है, जब किसी के किस्मत में बुरा लिखा होगा तो बुरा ही मिलेगा भाई। अब यहाँ देखिए, तो मैं क्या बोल रहा था, थोड़ा ध्यान देखो यहाँ पे, कि आपको पता है इस वाले कांस्टेंट को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं पता है, इसको बोलते हैं रिगवर्ड कांस्टेंट। अच्छा, यह देखिए अर्जुन सर, ये वी बार है, इसको बोलते हैं 1 अपॉन लैम्डा, तो याद कर ले, इसकी वैल्यू होती है अराउंड 1.0973 × 10⁷ पर मीटर, ये आर की वैल्यू है, इसकी वैल्यू है आर की वैल्यू है, याद कर लेना। अब सुनो जो अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ, इसको सुन लो थोड़ा ध्यान से, सुनो ध्यान से, स्टार्ट करो मेरे भाई, इसकी वैल्यू बताओ, 10⁷ होता है, 10⁷ कितना होता है, 7 होता है, याद कर लेना। और वी बार की वैल्यू कितनी है पता है आपको, ए वाली वैल्यू याद कर लो, आर 1 अपॉन n1² 1 अपॉन n2² n2 क्या है, ए वाला जहाँ से आया,
और बाद वाला, मतलब इसको ऐसे भी लिख लो ना कि आर विल बी इक्वल टू वन अपॉन इनिशियल, सॉरी वन अपॉन फाइनल स्क्वायर माइनस वन अपॉन इनिशियल स्क्वायर. तो आर विल बी इक्वल टू वन अपॉन फाइनल का स्क्वायर माइनस वन अपॉन इनिशियल का स्क्वायर. ये आप कॉपी कर लो, लिख लो भाई साहब, लिख लिया आपने, ये इंपॉर्टेंट है, कुछ बना के लिख लो, फिर मैं आपको बताता हूँ कितने पांच सीरीज होते हैं अभी डिस्कस करने वाले. हो गया भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इतना इंपॉर्टेंट आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इससे है ना लोगों को समझ में आता नहीं है क्या है क्या नहीं है. व्हाट इज द फॉर्मूला, व्हाट वी कॉल टू दिस, रेडबर्ग फॉर्मूला बोलते हैं इसको. कौन से फॉर्मूले को, इसको लिख लो, क्योंकि ये जो है ना ट्वेल्थ में भी है, इलेवेंथ में भी है और दोनों बुक में है, इसलिए अच्छे से बता दे रहा हूँ मैं, तंग करेगा. आर की वैल्यू याद रख लेना 10^7 पर मीटर यूनिट याद कर लेना. अब सुनो, अब हम क्या करेंगे, अच्छा सुनो, ये क्या था, इनिशियल था जहाँ से टपका था वो, तो यहाँ पे हमारे पास 2 था, और ये था फाइनल जहाँ पे गिरा था, और ये 1/λ के बराबर होता है जो कि v/c के बराबर होता है. आगे चले भैया, अर्जुन भैया देखिए आगे आ जाइए. अब सुनना ध्यान से, जो मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान से, आप उसको ध्यान से सुनिए, फिर आप कॉपी कीजिएगा, आप ही को पढ़ा रहा हूँ मैं. ये फर्स्ट सेल है n इक्वल टू 1, सुनना है n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5. हुआ क्या, जब पहला सीरीज लिखो लायमन सीरीज. लायमन सीरीज में क्या होता है ना कि इलेक्ट्रॉन जो है कभी भी आएगा तो 1 पे टपकेगा, मतलब कुछ भी हो जाए मैं अपने घर पे ही आऊँगा, मैं कहीं पे भी जाऊँ, मैं दूसरे घर पर ना जाऊँ, सब लड़कों का नाम लिख लो 3, 4, मतलब ऐसे है, ये यहाँ से भी आ सकता है, कहीं से भी टपकेगा, कहाँ टपकेगा, फर्स्ट में टपकेगा. तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एनी हायर स्टेट टू फर्स्ट स्टेट, मतलब कि फाइनल तो पता है 1 ही होगा, जो फाइनल हमारे पास 1 था उसका मतलब उसको 1 बोलते थे, लेकिन इनिशियल हमेशा जो n2 था ना वो हमारे पास क्या था, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, लेकिन ये हमारे आंखों से क्या होगा सर, नहीं दिखेगा, इसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रे. इसको लिख लीजिए, ये सवाल आया भी है नीट में, इसको हल्के में नहीं लेना है. आगे चलें, अब देखो क्या करना है हमें, आगे चलें, हो गया, आगे देख लो, चलो थोड़ा सा, जैसे मान लो ना कि एक होता, पता है कि एक होता बामर सीरीज, क्या होता बताओ, बामर सीरीज, मतलब कि आपको कहीं भी टपकना है तो कहाँ टपकना है, दूसरे में, कहाँ से टपक सकते हो आप, तीसरे से, चौथे से, रुक जाओ, मतलब उल्टा हो गया ना, मतलब कि फाइनल क्या हमारे पास यहाँ पे 1 है, 1 का मतलब NF, मतलब मेरे को आना कहाँ पे है, 2 पे, कहाँ से टपक सकता हूँ मैं, N2 जो है 3 से, 4 से, 5 से, 6 से टपक सकता हूँ. अब ये जो एनर्जी होगा ना आपको दिखाई देगा, व्हाट वी कॉल टू दिस जेंटलमैन, बामर सिरे, बामर सिरे, अरे आपके आंखों से, आपके नैनों से दिखाई देगा, नैन है आपके पास ना, हो गया भाई ठीक. आगे लिखो, ब्रैकेट पी फंड,
और बाकी जो है ना इसके बाद जो थे आप समझ गए क्या? एक कॉलम बना देता हूँ, लिख देता हूँ। सबसे पहला सीरीज लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। देखो लिखो लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज। अगला होता है बामर सीरीज, या इसको बोलते हैं बिहारी लैंग्वेज में बालमर, है ना। सैया, वो मेरे सैया। देखो आगे इसको बोलते हैं पाश्चन, बारिश हो रही है। ब्रैकेट, अगला लिखेंगे पी फंड सीरीज। लिसन वेरी केयरफुली, ए सुनो मेरी बात सुनना फिर जाना, मेरी बात सुनो, मेरे से मिलो और फिर जाओ, मेरे से मिलो और फिर जाओ। एक किसकी किसी मूवी का डायलॉग बोल रहा हूँ मैं, मेरे से मिलो और फिर मेरे से मिल के जाओ, है ना। देखो यहाँ पे हो जाएगा N1 जो है 2 हो जाएगा, N2 जो है 3, 4, 5 ऐसे है इन्फिनिटी तक। इसका लिखो N1 जो है 3, इसका N2 जो हो जाएगा 4, 5, 6, इसका जो हो जाएगा N1 4। खुद से लिखते जाइए, अब तो बड़े हो गए समझदार हो गए। ये लिखो 5, 6, 7, N1 जो होगा 5 होगा, N2 जो होगा 6, 7, 8, 9। ए सुनो इसका नाम लिखो, ये दिखने वाला नहीं है अपने आँखों से, अल्ट्रा वायलेट। चलिए स्पेलिंग भूल गया था इसलिए बुला रहा था बार बार, अल्ट्रा वायलेट। ये क्या हो गया? विजिबल रे। ये क्या हो जाएगा बताओ? इन्फ्रा रेड। थैंक यू सो मच। अब सुनो आगे स्टार्ट करें। अब आपको कुछ तंग करने वाली बातें ध्यान से सुनना है, जो आपके NCERT में लाइन टू लाइन दे रखा है। मैं बहुत कम बच्चों की बातें बताता हूँ, लेकिन आप ड्रॉप आउट हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। N2 का मतलब ये भी बोल सकते हो कि N1+1, इसको बोलते हैं अल्फा लाइन, एच अल्फा लाइन। इसको बोलते हैं N2 बराबर, अगर N1+2 हो जाए तो इसको बोलते हैं एच बीटा लाइन। N3 जो हो गया, N1+3 हो जाए, इसको बोलते हैं 1H गामा लाइन। और अगर इसको इन्फिनिटी हो जाए, N2 अगर इन्फिनिटी हो जाए, N2 इन्फिनिटी का मतलब इनिशियल आई थिंक, या रे आर कमिंग फ्रॉम द इन्फिनिटी, तो मतलब इनिशियल हो गया ना। अगर इनिशियल इन्फिनिटी हो गया तो इस केस में इसको बोलते हैं सीरीज लिमिट। इसको बोलते हैं, कभी भी सवाल है ना, ए मैक्सिमम निकाल कर दिखा दे, कुछ मत करना, N2 इक्वल टू इन्फिनिटी पुट कर देना, आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। कोई बोले मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है, 1 पुट कर देना। तो मिनिमम के लिए N2 की वैल्यू क्या हो जाएगा? N1 से 1 ज़्यादा, और इसके लिए इन्फिनिटी पुट करना पड़ेगा। आया समझ में आपको? अरे जो क्वेश्चन यहाँ पुट करोगे ना, फ्रीक्वेंसी बराबर 1/λ विल बी इक्वल टू V/C विल बी इक्वल टू R=(N1²-1)N2²। कोई पूछे कि बामर का सीरीज लिमिट बताओ, ए बामर का सीरीज लिमिट खत्म कहानी करो, N2=∞ पुट करो, और N2 बामर में होता है 2, तो लो R/1/4 लो। आपके 4 मार्क्स का क्वेश्चन बता दिया मैंने, ये भी नीट में आया हुआ है। कोई बोले नहीं नहीं मेरे को क्या बोलो, मेरे को लाइमन का सीरीज वो बताओ, मिनिमम बताओ क्या होगा, कुछ मत करो, डरना थोड़ी है, डरने थोड़ी है। यहाँ पे लैम्डा करेंगे, V/C करेंगे, R करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 1/N1², 1/N2²। कौन सी वैल्यू बिल्कुल फिक्स है लाइमन के लिए? N1। क्या बोला है? मिनिमम के लिए। तो N2 क्या कर दोगे? अगर इसको लोगे 1, इसको लोगे 2। बामर का पूछता तो यहाँ लेते 2, यहाँ लेते 3। आया कि नहीं आया? आया क्या है बताइए? गुड, आगे चले मेरे भैया। अब एक काम करो, राइट ऑल द फॉर्मूला, 5 मिनट पहले बता रहा हूँ आपको, पूरे फॉर्मूले मेरे को सेंड करो, ड्यूअल के भी और एटॉमिक के भी, अभी 5 मिनट के अंदर में व्हाट्सएप पे कर सकते हो आप ये वाला काम।
पक्का कर दोगे ना आप? कर देंगे तो ठीक है, आप इसको करके लिए सेंड कीजिए। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस, आई एम जस्ट गिविंग यू द टास्क। एक तो आपको जो याद करके रखना है, बताता हूँ मैं आपको क्या क्या करोगे अभी, बताओ।